नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में। दोस्तों, यह जो न्यूज़ है यह लखनऊ में प्रकाशित की गई थी और शनिवार 15 दिसंबर 2018 को, पेज नंबर 3। ठीक है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सिपाही भर्ती परीक्षा 5,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा दौड़ में शामिल होने का मौका। दोस्तों, आपको बता दें कि जो पहली लिस्ट आई हुई थी जिनमें 62,000 कैंडिडेटों को यहां पर क्वालिफाई किया गया था, उनमें से अभी फिलहाल 5,000 के लगभग अभ्यर्थी बच रह गए हैं दौड़ से। तो यानी कि जो कंपनी यहां पर TCS कंपनी है, भाई फिजिकल करवा रही थी, भाई अभी काम अधूरा छोड़कर ही यहां से चली गई है। तो भाई वापस जब तक आएगी लगभग यहां पर 5,000 अभ्यर्थियों को दौड़ या फिजिकल के लिए वह रह गए थे, तो उनको वापस कराए जाने का फैसला किया है। दोस्तों, लखनऊ पुलिस ने फैसला किया है कि उन लोगों का यहाँ पर फिर से फिजिकल या फिर दौड़ में शामिल किया जाए। तो उसी से संबंध में यह पूरी न्यूज़ है, चलिए डिटेल से अपन यहाँ पर डिस्कस देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि लखनऊ में प्रकाशित किया गया था, इसमें कहा गया था पुलिस भर्ती पन्नोत्री बोर्ड ने पुलिस और PSC के सिपाही में के 41,520 पदों पर सीधी भर्ती में तकनीकी दिक्कत के कारण देखी। दोस्तों, यहाँ पर तकनीकी दिक्कत बताई है लोगों ने, तकनीकी दिक्कत के कारण दौड़ से वंचित रह गए 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत देने का फैसला किया है। इन अभ्यर्थियों को दौड़ में शामिल होने का मौका दिया जाएगा और भर्ती बोर्ड ने परीक्षा संचालित कर रही संस्था को इसके लिए निर्देश दिए हैं। ठीक है, बोर्ड के अध्यक्ष GP शर्मा ने कहा है कि दौड़ की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इसके साथ अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के जाति व मूल निवास प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 15 दिवस तक, यानी दोस्तों 15 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा और हजारों अभ्यर्थी डाटा अपलोडिंग में देरी होने की वजह से दौड़ से चूक गए थे। ठीक है, इसके अलावा दस्तावेजों की जांच व सारी रिक्त मानक परीक्षण के से लेकर प्रमाण पत्र जमा करने में अभ्यर्थियों को तकनीकी खामियों की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में लॉग इन करने के बाद भी एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से भी अभ्यर्थी कुछ यहाँ पर फिजिकल देने से रह गए थे, यानी कि फिजिकल नहीं दे पाए थे। उन सभी के लिए दोस्तों यह सभी की समस्याओं का यहाँ पर निवारण कर दिया गया है। दोस्तों, जो भी यहाँ पर 5,000 अभ्यर्थी यहाँ पर बचे हुए हैं उनका यहाँ पर फिजिकल होगा, आप यहाँ बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दोस्तों, यह 5,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ फिजिकल होने से रुक गया था, उन सभी का फिजिकल होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यदि आप देखिए, बोर्ड ने आपकी सुन ली है और बोर्ड जो TCS कंपनी को निर्देश भी दे चुकी है कि जो यहाँ पर विद्यार्थी रह गए हैं उनका फिजिकल करवाएं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही न्यूज़ में आप तक पहुँचाना चाहता था। यदि आपको यह न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आता है तो आप तक उसको आसानी से हम पहुंचा सकें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने नहीं किया हो तो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय।